कोरमा है, सुबह सहरी के लिए तैयार करें, इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत लजीज है, बहुत अच्छा बनता है, इसका अलहदा एक टेस्ट होता है। और आए हम आपको अंडे का कोरमा बनाना बताते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद, रमज़ान मुबारक। आज हम बना रहे हैं अंडों का कोरमा। अंडों के कोरमे के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। टमाटर, दो टमाटर लिए, एक प्याज ली है हमने बड़ी, और अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, और थोड़ी सी प्याज जिससे हमने भगार लगाना है, थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर और अंडे। आए हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम टमाटर और प्याज को ग्राइंडर में पीसेंगे। टमाटर और प्याज, इन दो चीज़ों को हम पीसेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये हमने इसको पीस लिया है टमाटर और प्याज को। अब हम मसाला भूनेंगे। इसमें हमने एक खाने का चम्मच और पकाने का चम्मच तेल डाल लिया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, ये रॉ मिल जाएगी, तो इसमें फिर बाकी मसाले हम डाल देंगे। ये प्याज लाल हो गई है हमारी, इसके अंदर हम ये जो हमने मसाला पीसा था, टमाटर, इसमें अब बाकी मसाले भी डाल देंगे, मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ये मैं कूट के इस्तेमाल करती हूँ, सावा धनिया इस्तेमाल नहीं करती, ये हल्दी, नमक। अब इसको हम ढक देंगे जब तक मसाला भुनता है सारा। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला भी डाल देंगे, ये मैं पहले बताना भूल गई थी। और अब इसका ये पानी सूखने तक इसको हम ढक देंगे। ये हमने ढक दिया, मैं गर्म मसाला डाल दिया है। अब इसको हम जब तक रखेंगे, जब तक ये मसाला बनेगा, इसको हम रख देंगे। हैंग हो गया, ये हमारा मसाला तैयार हो गया, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे, भून कर तैयार हो गया ये। अब इसमें हम अंडे डाल देंगे। तो मसाले के ऊपर एक एक को डालते जाते हैं अलहदा अलहदा, इसे आप अगर ज़्यादा अंडे बनाना चाहें तो फिर बड़ा बर्तन लेना पड़ता है, क्योंकि ये इसी की यही खूबसूरती है कि ये अलहदा अलहदा डलते हैं और अलहदा अलहदा अपनी जगह पे ही बन जाते हैं। अगर छोटा बर्तन है तो फिर कम अंडे डलेंगे। ये हमारे डल गए अंडे। अब इसको हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे, हल्का सा चूल्हा तेज़ करेंगे, ताकि इसके अंदर अंडे ये बन जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। ये अंडे बनना शुरू हो गए, यानी पक गए। अभी थोड़ा सा और होते हैं तो फिर हम सर्व की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर तेल डाल दें ऐसा करके, इसको जगह से इस तरीके से हटा, इसको भी हटा दें इस तरीके से, इसको भी हटा दें। जगह से हटाने से ये लगते नहीं हैं, इनके नीचे लग जाते हैं। अब बस इसको 2 मिनट के लिए हम दम देंगे और फिर हम सर्व करेंगे। ये हमने 2 मिनट के लिए रखा था, 2 मिनट के बाद ये तैयार हो गए।
अब हम इनको प्लेट में सर्व करते हैं, निकालते हैं। मसाला हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अंडों को निकाल लें। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, हरे धनिए से सालन में और ताजगी आ जाती है। ये अंडे का कोरमा हमारा तैयार हो गया है, इसे बनाएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा बना है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक हम नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।